उड़ीसा झारखंड हमारे लिए कोई नया नहीं है, लेकिन समय जैसे बीतता है व्यक्ति को वैसा परिवर्तन भी करना पड़ता है। आज हम लोग किड्स और इस संस्था के इस परिसर में हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चों को शिक्षा मिल रही है। सांसद सामंता जी के प्रयास से यहाँ पर तकनीकी शिक्षा तो लोगों बच्चों को मिल ही रहा है। इससे बड़ा काम यह है कि यहाँ बड़ी संख्या में आदिवासी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त बिना पैसे का, और वो भी छोटे मोटे बच्चों के नहीं, लगभग 40,000 बच्चे आदिवासी बच्चे को ये शिक्षा दे रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग तरह की एक जुनून कह सकते हैं, एक ऐसा काम जहाँ ऐसा वर्ग जो सबसे अलग थलग रहता है उसको कैसे स्वावलंबी बनाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। हमने सामंता जी से यहाँ की जो प्रैक्टिस है, जो यहाँ का वातावरण है, हम चाहते हैं कि वो वातावरण हमारे लिए भी तैयार करें, और इसके लिए सरकार से क्या उनको मदद चाहिए वो हर मदद देने के लिए हम तैयार हैं, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर वहाँ पर शिक्षा वातावरण तैयार कर सकें। और वहाँ के जो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारे राज्य में और उड़ीसा में कॉमन हैं, जैसे हमारे कई जिले झारखंड के, उड़ीसा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहे हैं, आज उन सब क्षेत्रों में और उन सब क्षेत्रों के बच्चों का भविष्य अंधकार ना हो, इसके लिए एक समान समस्या वाले राज्य के साथ, मुझे लगता है एक समान व्यवस्था दोनों राज्यों में रहे, तो कहीं ना कहीं इन सब व्यवस्थाओं के माध्यम से उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को खत्म किया जा सकता है और आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दी जा सकती है।